आपको पीपीटी विजिबल हो रही है बेटा? नो मैम, यस मैम, विजिबल है। ठीक है। प्रीवियस लास्ट टाइम पे मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे। हम दो तरह से वेरिएबल्स डिफरेंस लेके आते हैं और हम मंडी स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है, जहाँ पे बेसिकली सेवन चीजें होती है। फर्स्ट वन सैंपल होल्डर है, मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक कॉइल है, स्वीप जनरेटर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरएफ जनरेटर है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर है और रीड आउट सिस्टम है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर एनएमआर का ब्लॉक डायग्राम है। आप यहाँ पर देखिए जो सैंपल है उसके आसपास एक सुपर क्वाइलिंग है। ये क्वाइलिंग में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, ये जो लगते हैं ये आपके परमानेंट मैग्नेट है जो आपको पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, ये फिक्स होते हैं। जो दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट हम वेरी कर सकते हैं वो हम क्वाइलिंग के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमारी क्वाइलिंग होती है, इस क्वाइलिंग पर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। हम मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वेरी करके न्यूक्लियस के एटमोस्फियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वो होता है रिसीवर जो रिसीव करता है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी को भी हम वेरी करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मेगा हर्ट्ज में चलती है। मेगा हर्ट्ज मतलब पर साइकिल पर हर्ट्ज। ये मैंने उनकी क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो सैंपल होल्डर होता है वो आपका, जनरली हम इसमें ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। मैग्नेट जब हम इस तरह का सैंपल होल्डर सेलेक्ट करते हैं, या जो केमिकल मटेरियल होता है वो केमिकली इनर्ट होता है, ड्यूरेबल होता है, और स्पेशली आरएफ रेडिएशन में ये ट्रांसपेरेंट होता है। मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो आपको होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड देता है, गतियन में होता है। ये 60 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज के रेंज में चलता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वाइल्स होती है, जो आपका सैंपल होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक क्वाइल भी फोल्डेड होती है, और जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। स्वीप जनरेटर होता है, यहाँ पर दो तरह के स्वीप जनरेटर होते हैं, एक फ्रिक्वेंसी स्वीप जनरेटर होता है, दूसरा फील्ड स्वीप जनरेटर होता है। दोनों का ही काम होता है, अल्टीमेटली दे हैव टू प्रोड्यूस द इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सैंपल। आपके सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल अमाउंट में पास हो। रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर और जनरेटर, इसका काम क्या होता है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो ट्रांसमीटर कॉइल होती है जो पावरफुल पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स को जनरेट करने का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक बहुत छोटे टाइम में, आप सेकेंड में समझ लो, सेकेंड का 10 टाइम, अगर हम बहुत कम टाइम में हम अपनी एक आरएफ फ्रिक्वेंसी की रेंज को पास करते हैं अपने सैंपल से, उसको हम बोलते हैं पल्स ऑफ रेडियो वेव्स, शॉर्ट पावरफुल पल्स ऑफ रेडियो वेव्स विच आर पासिंग टू द सैंपल। रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, आफ्टर द पासिंग ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज अगेन द ट्रांसमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। द रिसीवर कॉइल दैट डिटेक्ट द रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी इज इमिटेड एज अ न्यूक्लियाई रिलैक्स टू लोअर एनर्जी लेवल। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर है ये किन रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा? ये उन रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा जहां पर जो न्यूक्लियाई हैं, जो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए हैं, जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में रिलैक्स होते हैं तो जिस फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये इमिट करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर उसे रिसीव करेगा। रीड आउट सिस्टम, एम्पलीफायर सिस्टम लगता है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर होते हैं बहुत वीक रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिटेड होती है, और उन्हें हम एम्पलीफाई करके हम कंप्यूटर सिस्टम पे रिकॉर्ड करते हैं, और देन अगेन वी हैव ऑब्टेन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। सैंपल हम लिक्विड सॉलिड दोनों टाइप के सैंपल अप्लाई कर सकते हैं। लिक्विड सैंपल कन्वेंशनल सोल्यूशन स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज यूज्ड। सॉलिड टाइप सैंपल सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड। सॉलिड
सॉलिड फेज मीडिया जैसे क्रिस्टल, माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर, जेल, एनिसोट्रॉपिक सॉल्यूशन, प्रोटीन, प्रोटीन फिब्रिल्स एंड ऑल काइंड ऑफ पॉलीमर्स इटीसी कैन बी यूज जनरली इन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर. वी हैव यूज्ड द लिक्विड सैंपल. सैंपल इट शुड बी डिजॉल्व इन ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट. ड्यूटेरिएटेड मतलब सैंपल दैट सॉल्वेंट दैट हैव नॉट अ हाइड्रोजन. It is replaced by the deuterium. Radio frequency generator then irradiate the sample with a short pulse of radiation. They are causing the resonance. जब radio frequency generator अपने sample को irradiate करता है, short pulse of radiation को उसमें भेजता है, तो वहाँ पर resonance create होता है. जो ये resonance create होता है, when the nuclei fall back to the lower energy state. अब यही आपके nuclei जो higher energy state में है, again return to the lower energy state. With the emitting of radio frequency that is received by receiver and it is energy released and it is recorded in the form of spectrum. कौन से solvent use होते हैं? जैसे CCl4, CS2, CdCl3, C6D6, D2O, DMSO. These are the common solvents which are used in NMR spectroscopy. Now 1D and 2D NMR. हम 1D NMR को 1D NMR इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमें ग्राफ में ऐसा दिखता है. ग्राफ तो हमारा 2D ही है. हम 1D NMR इसलिए कहते हैं, टाइम डोमेन इज चेंजिंग इनटू फ्रीक्वेंसी डायमेंशन. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इज 1D NMR. यहाँ पर जो आप देखिए, यहाँ पे सिंपल देखिए, टाइम डायमेंशन चेंजिंग इनटू फ्रीक्वेंसी डायमेंशन. आप यहाँ पर हम टाइम डायमेंशन को, हम जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है वहां पर टाइम लगता है. जो आपका रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो टाइम लेता है. एफआईडी क्या है? एफआईडी है प्री इंडक्शन डिके. दैट इज रिलेटेड टू द टाइम डोमेन रिस्पॉन्स एंड द कन्वेंशनल फ्रिक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रम बाय एफटी एनएमआर. एक्चुअली जब हम एनएमआर की बात करते हैं तो जो कन्वेंशनल एनएमआर होते हैं वो स्कैनिंग प्रोसेस में बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होते हैं इनकी वेवलेंथ बहुत होती है, एनर्जी बहुत कम होती है. उसकी वजह से स्कैनिंग प्रोसेस में बहुत लंबा समय लेते हैं. दे आर रिक्वायर्ड, द स्कैनिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो रेट सो दैट अवॉइड ओवर पासिंग स्पेक्ट्रल लाइन टू रैपिडली सो दैट गोइंग टू पोस्ट एनएमआर यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर. फूरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर देयर द NMR spectrum is obtained by the continuous wave method. Within a second, the range of frequency spectral width that must be scanned to over the chemical shift range and R is resolution desired. जो pulsed यानी जो pulsed NMR है या फिर जो Fourier transform NMR है वहां पर हम frequency का एक bandwidth भेजते हैं या spectral bandwidth भेजते हैं विदिन सेकेंड देते हैं. मतलब वहां पे हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेकेंड या विदिन सेकेंड में हमने कितनी बार स्पेक्ट्रल विड्थ को अपने सैंपल के साथ स्कैन कराया है. जितनी बार हम स्कैन, जितना फास्ट स्कैन कराते हैं, स्कैनिंग की रेंज क्या रखेंगे? स्कैनिंग की रेंज आपकी केमिकल शिफ्ट की रेंज होगी. केमिकल शिफ्ट का रेंज मतलब 0 से 14 रखा है हमने या 15 रखा है, ये हमारी केमिकल शिफ्ट का रेंज होगा. तो और आर क्या है? हमारा रिजोल्यूशन है. तो ये दो फैक्टर काम करते हैं. हम एफटी एनएमआर को वर्कआउट करते हैं. हम एफटी एनएमआर को इसलिए उठाते हैं बिकॉज इन द केस ऑफ कन्वेंशनल एनएमआर द स्कैनिंग प्रोसेस इज टू स्लो बिकॉज रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हैव लेस एनर्जी. सो दैट इज रिक्वायर्ड द ओवरऑल स्पेक्ट्रल विड्थ इज टेकिंग टू मच टाइम सो दैट वी आर गोइंग टू FT-NMR. उस केस में हम FT-NMR के लिए जाते हैं. जब हम FT-NMR की तरफ शिफ्ट करते हैं तब हम यूज करते हैं FID यानी टाइम. हम टाइम मतलब वो टाइम, द टाइम इज रिक्वायर्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम इन कंटिन्यूअस वेव मेथड वेयर द ओवरऑल स्पेक्ट्रम विड्थ इज गोइंग विद इन अ सेकेंड. यहाँ पर हम टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं. हम ये चाहते हैं कि अगर हमने स्पेक्ट्रम विथ ली है, स्पेक्ट्रम विथ रेडियो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम विथ आप कैसे ले सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा इंस्ट्रूमेंट 60 मेगाहर्ट्ज का है, 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है, हम 1 से लगा के 60 मेगाहर्ट्ज की
रेडियो फ्रिक्वेंसी हम विद इन सेकेंड अपने सैंपल में इरेडिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआईडी क्या है, जहां पर हम टाइम को इंक्लूड करते हैं, ठीक। अब जो पूरी रेंज है वो पूरे केमिकल शिफ्ट को ओवरऑल कंप्लीट करती है, और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो 1D स्पेक्ट्रम मिलता है। आप देख रहे हो हमने एफआईडी दिया है, एफआईडी का फुल फॉर्म होता है प्री इंडक्शन डिके, ठीक है। प्री इंडक्शन डिके कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज करते हैं। ये कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, एफटी एनएमआर के बाद ही हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है जैसा अभी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। जब हम 2D एनएमआर चलते हैं तो कैसे मिलेगा, ये देखिए जहां पर आप एक्सिस देख रहे हैं, हमने तीन एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक और एक्सिस, ठीक है। हमने यहाँ पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक्सिस ली है वो दो ली है, एक आपको एक्स पे दिख रही है, दूसरी आपको उसके अपोजिट में, यानी कि दो एक्सिस दिख रही है, एक आपकी ये एक्सिस है, एक आपका ये, इसको बोलते हैं 2D एनएमआर स्पेक्ट्रम। 2D एनएमआर स्पेक्ट्रम द फर्स्ट टू डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट वॉज प्रपोज बाई जीन गैनर। 2D NMR it is a set of nuclei magnetic resonance spectroscopy that NMR method which gives the data plotted in a space defined by two frequency axes rather than one. आप वन NMR देखो, ये देखो हमने सिर्फ दो एक्सेस ही लिए हैं, एक एक्सेस उठाई है, वाई एक्सेस उठाई है, एक्सेस में हमने फ्रिक्वेंसी को रखा है, वाई एक्सेस में हमने इंटेंसिटी को रखा है, ठीक है। ये ग्राफ 2D है लेकिन ये स्पेक्ट्रम 1D है। अब 2D NMR में आप देखिए हमने दो एक्सेस यूज किए हैं, फ्रीक्वेंसी की हमने दो एक्सेस यूज किए हैं। 2D NMR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मॉलिक्यूल देन वन डायमेंशनल NMR प्रिंसिपल। 2D NMR इज अ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच वी प्रोवाइड अ 90° पल्स टू अवर सैंपल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन वी वेट फॉर 0 to 5 milliseconds depending upon the experiment time, then again we provide again 90° pulses and this time we measure the signal as a FID. As a result we get two FID signals which are plotted with respect to the time domain. To get a meaningful data we apply Fourier transform program on FID to get a frequency in the term of ppm. इस स्लाइड में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, आप सिर्फ इतना समझिए कि 2D NMR में हम दो बार पल्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को डालते हैं। सिंपल जब वन एनएमआर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना सैंपल जो कि हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वहां पे हम 90° का रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रल विड्थ का पल्स हम भेजते हैं, और भेजने के बाद जब वहां पे इरिडेशन होता है तो इरिडेट होने के बाद जो आपके न्यूक्लियाई हैं जब वो इरिडेट होते हैं, इरिडेट होने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। कुछ देर बाद जो एक्साइटेड स्टेट होती है, जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, जितने भी सेट ऑफ न्यूक्लियाई होता है, वो सारा का सारा सैचुरेट हो जाता है। तो अब हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, हम वेट करते हैं रिलैक्सेशन होने का, क्योंकि जो रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है किसका, स्पिन का, जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है जो हाई एनर्जी स्टेट में जाके बैठ गया है, जो वापस रिटर्न होता है, तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन मिलता है। ईच एंड एवरी न्यूक्लियाई विच गेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एंड व्हेन इट इज रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, इट इज द डिफरेंट मैनर ऑफ स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस। जितने भी न्यूक्लियाई हैं जो आफ्टर रेडिएशन, जब आप पहला 90° का पल्स भेजते हो RF फ्रिक्वेंसी की पूरी रेंज को, एक बार अपने आप सैंपल से पास कराते हैं, तो जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं जो भी स्पिन है। उसके बाद जब वो लौटते हैं तो हर एक का पैटर्न अलग होता है। जो रिटर्निंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। एनएमआर में ये जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है, इट इज टू मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज गिव द डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। आपके सैंपल में कितने टाइप की न्यूक्लियाई है ये इस पर डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियाई का रिलैक्सेशन प्रोसेस कैसे रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आपका न्यूक्लियाई इरेडिएशन के बाद ऊपर पहुंचता है, वहां से जब वो वापस नीचे आता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस। और ये स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होता है।
ठीक है। तो आप इस स्लाइड में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमने पहली बार एक टाइम मिली सेकेंड के लिए हम रुकते हैं, पहला स्पेक्ट्रल विथ आरएफ का हम भेजते हैं 5 सेकेंड के लिए या 0 to 5 मिली सेकेंड के लिए हम वेट करते हैं, हम अगेन 90 डिग्री का फिर से एक बार स्पेक्ट्रल विथ भेजते हैं और देन वी हैव मेजर द सिग्नल एज एसआईडी। हमें एक बार 1D NMR मिलता है, हम दोबारा भेजते हैं, हम फिर 1D NMR मिलता है और हम दोनों को कंपाइल करते हैं तो हमें 2D NMR मिलता है। एज अ रिजल्ट वी गेट टू 2 SID सिग्नल। एक बार हमने किया हमें 1 SID सिग्नल मिला, हमने 2 बार NMR किया हमें 2 SID सिग्नल मिल गए और उन दोनों SID सिग्नल को हमने एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिलेटेड टू द टाइम डोमेन। टू गेट अ मीनिंगफुल डेटा वी अप्लाई द ST NMR प्रोग्राम ऑन SID टू गेट अ फ्रीक्वेंसी इन द टर्म ऑफ PTM। ये देखिए SID क्या है, प्री इंडक्शन डिके, द सिग्नल डिके अवे ड्यू टू इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग। प्री इंडक्शन डिके SID इट इज द रिजल्ट Fourier transform FT of this time domain signal produce a frequency domain signal। जो FT होता है यानी Fourier transformation है वो क्या करता है, time domain signal को frequency domain signal में convert करता है। Frequency क्या होता है, per second वो cycle कितनी बार गई है उसको हम frequency बोलते हैं, ठीक है। एक second में या per second में हमारी radio frequency कितनी बार जाती है उसको हम frequency बोलते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को टाइम यानी टाइम डोमेन सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कराते हैं जिसकी वजह से हमें PPM पे मिलता है। स्केल किसमें मिलेगा, PPM पास पर मिलियन पे मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल SID सिग्नल हमें एक बार हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल विड्थ की लाइन को भेजा अपने सैंपल में, हमें एक SID सिग्नल मिला, हमने दोबारा भेजा हमें दूसरा SID सिग्नल मिला, इन दोनों को हमने कंबाइन किया और हमने ग्राफ प्लॉट किया, हमें 2D NMR मिल गया। लेकिन दोनों ही SID सिग्नल हम कन्वर्ट किसमें कराते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। जो SID सिग्नल्स होते हैं ये टाइम डोमेन सिग्नल होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। अब इतनी देर से मैंने आपको SID सिग्नल एक्सप्लेन किया यानी प्री इंडक्शन डिके, डिके का मतलब आप जानते हैं लॉस, ठीक है। इंडक्शन, इंडक्शन को आपको पता है ना, अगल बगल जो चीजें होती है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं, एक कंडक्शन होता है पता है, एक इंडक्शन होता है बहुत नॉर्मली है, बहुत कॉमन है। व्हाट इज द इंडक्शन, प्लीज प्लीज म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए। इंडक्शन, ओके। सो इंडक्शन, प्री इंडक्शन डिके यानी आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज है और वो ऊपर एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर ली है, वो वापस लौटेगी तो ऑब्वियसली अपनी एनर्जी कहाँ भेजेगी, एटमॉस्फेयर में देगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में देने के बजाय इसमें जो रिलैक्सेशन प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस, यही इसमें इंपॉर्टेंट है इस 1D और 2D NMR में। 1D NMR भी वही है, 2D NMR भी वही है। 1D NMR और 2D NMR में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं, हम 1 फ्रिक्वेंसी डालते हैं उसके बाद हम वेट करते हैं, उसके बाद हम दूसरी फ्रिक्वेंसी डालते हैं हम और दोनों के सिग्नल को मर्ज करा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन रिलैक्सेशन आफ्टर द रेडिएशन द स्पिन इज गोइंग टू हायर एनर्जी स्टेट एंड व्हेन इट इज रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट इट इज रिलैक्स, देन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस इज डन बाय 2 वे। अब जो स्पिन रिलैक्सेशन होता है वो 2 तरीके से पॉसिबल है। पहला स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन यानी T1, जिसको हम T1 बोलते हैं यानी लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। आपको मैंने डायग्राम दिखा रखा है, आप देखिए ये जो डमरू जैसे दिख रहा है आपको, एक एक्सिस जो आपको एक्सिस दिखा रही है उसके ऊपर आप जाइए वाई एक्सिस भी दिख रही है, ये वाई एक्सिस को हमने स्ट्रेट लाइन पे दिखाया है, जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे है, वाई एक्सिस 90 डिग्री पे है। अब आप देखिए कि आपका न्यूक्लियस जब कुछ नहीं था तो उसके पास सिंपल अपनी जगह थी और उसकी ग्रीन पोजिशन जो है उसकी प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी को शो करता है। जैसे ही आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया या तो अलाइन में जाएंगे यानी या तो ऊपर जाएंगे या फिर ये नीचे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप इस पे रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हो तो जिस रेंज की आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी पे डाली, डालने के बाद ये ऊपर अपर लेयर पे चले गए, चाहे वो नीचे से जाए या ऊपर से जाए, जाएंगे ही वाई एक्सिस के बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन, जिस भी प्लेन पर ये जाएंगे वापस ये जब रिटर्न होंगे तो इनमें रिलैक्सेशन होगा।
जब स्पिन का रिलैक्सेशन होगा तो पहला तरीका होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन यानी लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन यानी T1, जिसे हम T1 भी बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ स्पिन विद फ्लेक्चिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रैंडम मोशन ऑफ द नेबरिंग न्यूक्लियाई। ये ऐसा क्यों होता है जो उसकी जस्ट बगल में, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है ये दोनों फिगर को आप आस पास लाइए, एक दूसरे के बराबर पे लाइए लंबाई में। जब आप इसको दोनों को लंबाई में लाएंगे तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो जिसको मैंने सिंगल न्यूक्लियस की बात दिखा रखा है, ये दिखा रहा है कि ये ऊपर की तरफ है यानी हायर एनर्जी स्टेट पे बैठा हुआ है। जब ये वापस आएगा तो इसके जस्ट बगल में जो दूसरा नेबर न्यूक्लियाई है वो भी ऊपर ही होगा, लेकिन वो ऊपर कैसे होगा क्योंकि उसने तो अब्सॉर्ब किया या नहीं किया मालूम नहीं, तो वो अपनी एनर्जी बगल में ट्रांसफर करेगा। इस फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। मीन्स द फ्लक्चुएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम मोशन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। जो बगल में नेबरिंग न्यूक्लियाई है उसमें रैंडम मोशन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्योंकि ये उसके बगल में हाई एनर्जी स्टेट पे है तो ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इन अपर एनर्जी स्टेट, द लैटिस एज अ एक्स्ट्रा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी। ये किस फॉर्म में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, थर्मल के फॉर्म में दे सकता है, ट्रांसलेशनल के फॉर्म में दे सकता है, या फिर रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में दे सकता है। यानी जो स्पिन आपका हायर एनर्जी स्टेट में बैठा है वो वापस एनर्जी रिड्यूस करेगा या अपनी एनर्जी को डिके करेगा, जस्ट नेबर न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करेगा। तीन तरीके से ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी के फॉर्म में, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में, और थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। तो जो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा वो तो हीट के फॉर्म में चला गया, लेकिन जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा वो जस्ट बगल वाले नेबर के लिए यूजफुल होगा। दिस एक्सेस मैग्नेटिक एनर्जी एज अ थर्मल एनर्जी टू द लैटिस, दैट इज टाइम इज T1, इसे हम बोलते हैं T1। पहला रिलैक्सेशन यही होता है, T1 ही होता है, और हमारे लिए यही मिजरेबल होता है। हम T2 को बहुत कम लेते हैं क्योंकि T2 में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, जो आपका T1 है एक्सेस एनर्जी, दैट इज नोन एज T1। तो द T1, अगर हम T1 की बात करें तो क्या है T1, दैट इज द रेट कॉन्स्टेंट कॉल्ड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम। T1 क्या है, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज द रेट कॉन्स्टेंट। व्हेन द NMR एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड then T1 represent as the time is required for Boltzmann distribution to reach 1/3 its initial value in the presence of H0, yani very starting, जब से हमने magnetic field apply किया वहां पर जो condition थी आपके spin की, बस वहीं तक आपके spin की condition में आने में जो process लगता है उसको हम बोलते हैं T1, means the time or rate constant which is required for spin going to relax in spin lattice relaxation process. T1 कितना time होता है, अगर हम solid sample की बात करें या हम viscous liquid की बात करें तो ये T1 जो time है ये आपके hours में जाता है, यानी घंटे भर लग सकता है, बहुत ज्यादा hours लग सकते हैं। If the sample is in going to organic solution, अगर यही sample हमने liquid form में लिया है या organic solution के साथ लिया है, organic liquid के साथ लिया है, at this case and the dilution is very important, at this case the T1 time is taking 0.01 to 100 seconds. आप समझ सकते हैं कि सेकेंड में भी 10 टाइम्स रिड्यूस कर दीजिए, यानी एक सेकेंड का 10th पार्ट कितना टाइम लगता है T1 में। ठीक है, अब आइए आप T2, जो सेकेंड टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो है T2, यानी स्पिन रिलैक्सेशन। ये स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन था, ये आपका स्पिन रिलैक्सेशन है। स्पिन रिलैक्सेशन आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, T2 रिलैक्सेशन। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियाई एक्सचेंज स्पिन, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो अपनी स्पिन को चेंज करेगा। न्यूक्लियाई एक्सचेंज स्पिन विद द नेबरिंग न्यूक्लियाई बाय इंट्रैक्शन ऑफ देयर मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से होंगे। ऑल्दो नो स्पिन एनर्जी इज लॉस्ट बाय दिस मैकेनिज्म, तो प्रेसिडिंग न्यूक्लियाई लूज फेज कॉन्फ्रेंस। इस कंडीशन में यानी स्पिन रिलैक्सेशन में कोई भी एनर्जी, इस मैकेनिज्म में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है।
फिर क्या चेंज होता है, दैट इज चेंज लूज देयर फेस कॉन्ट्रास्ट, फेस कोहरेंस। फेस कोहरेंस चेंज होने का मतलब है वो अपना प्लेन चेंज करता है। प्लेन चेंज करने का मतलब है वाई एक्सिस पे जो भी आपको एक्स में दिख रहा है वो वाई पे चला जाए, या वाई पे दिखने वाला एक्स पे चला जाए। फेस फेस चेंज होता है, यानी जो डायरेक्शन से आपको केवल वो वेरी करते हैं, लेकिन एनर्जी का कोई भी लॉस आपके स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन में नहीं होता है। इसीलिए हम पी2 को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, हम इसको कंसीडर करते हैं पी1 को। मैंने इसके पहले की जो स्लाइड है आप ये देखिए, मैंने क्या कहा था, 2D NMR मतलब इन विच वी प्रोवाइड अ 90 डिग्री पल्स टू अवर सैंपल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन वी वेट फॉर 0 to 5 milliseconds एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंट टाइप एंड अगेन प्रोवाइड द 90 डिग्री पल्स एंड दिस टाइम वी मेजर द सिग्नल एज अ SID। ये दोनों ही केस में हमको SID सिग्नल जो है वो फॉर्म होते हैं। अब ये SID सिग्नल को फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कराते हैं बाय द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये ठीक। आज मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, नेक्स्ट टाइम पे आपको बताएंगे स्टेप्स।